ऑल वेलकम बैक टू माय वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा जैसे कि ये मेरा लास्ट व्लॉग है। और क्यों लास्ट व्लॉग है, ये आप लोग की वजह से ही लास्ट व्लॉग है, क्योंकि मैं जैसे 365 डेज मैंने इतने कॉन्फिडेंस से शुरू किया था कि बहुत अच्छा सब कुछ होगा, और मतलब बहुत ऐसे बहुत सारी होप्स लेके मैंने स्टार्ट किया था और लोग से कि चलो ठीक है स्टार्टिंग है तो कम व्यूज आ रहे हैं, बट अभी ना 100 व्लॉग्स मतलब होने वाले हैं। 3-4 व्लॉग आई गेस रह गए हैं, ये 97 हाँ 3 व्लॉग रह गए हैं मेरे। सो 97 व्लॉग्स मैंने कर दिए हैं, उसमें से कुछ ही व्लॉग्स थे जिन पे बस अच्छे व्यूज गए, मतलब वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेट हो गई मैं, और इस बारे में कल से सोच रही हूँ कंटिन्यू, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। क्योंकि आप लोग को पता है पूरा दिन निकल जाता है वीडियो, पूरा एक वीडियो शूट करने में, एक व्लॉग शूट करने में पूरा दिन जाता है, और उसके पहले अलग टेंशन रहती है कि क्या व्लॉग शूट करना है। सो पहले व्लॉग की टेंशन कि व्लॉग क्या करना है, उसके बाद पूरा दिन उसको शूट करना, एडिट करना, जगना पड़ता है रात को प्रॉपरली। मैं अपना जो टाइम टेबल है वो पूरा खराब कर चुकी हूँ सिर्फ व्लॉग्स के करके। मैं व्लॉग एडिट करने के चक्कर में लेट सोती हूँ, फिर लेट उठती हूँ, और फिर व्लॉग वापस व्लॉग। ऐसा नहीं है कि मैं एक भी दिन फ्री रहती हूँ, डेली व्लॉग शूट करना पड़ता है। और फिर इतना सब कुछ मतलब इतनी मेहनत के बाद ना एक रील और एक शॉर्ट्स बनाने में तो कम टाइम लगता है, मतलब 15-20 सेकेंड लगते हैं, या फिर ज़्यादा अच्छी रील बना रहे हो तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। बट पूरा व्लॉग शूट करने के लिए हमको पूरा दिन चाहिए होता है, और उसके बाद फिर एडिट करने के लिए चाहिए होता है टाइम। सो मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी इतने कम व्यूज आ रहे हैं, तो वो सोच के मुझे ऐसा बुरा लग रहा है कि मैं तो इतना अपना बेस्ट दे रही हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। और 30 गाइस मैंने आई गेस 22 के सब्सक्राइबर्स पे स्टार्ट किया था, और मेरे 100 व्लॉग्स होने वाले हैं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार 30 के सब्सक्राइबर्स जैसे मेरे होने वाले हैं, तो 30 के सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं मैं बोल रही कि 10-20 हजार मेरी हर एक वीडियो पे भी आने चाहिए, बट हाँ 4-5 हजार तो एटलीस्ट आए तो मुझे सिर्फ संतुष्टि मिले कि हाँ मेरी वीडियोस पे इतने व्यूज आ रहे हैं। लेकिन एक बोलते हैं ना एक लाइन पकड़ ली है व्यूज ने, 1000 लास्ट 2000 उसके ऊपर जाते हैं, बहुत टाइम लेकर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। और गाइस सच में बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तभी फिर मैंने सोचा कि क्यों, जब नहीं हो रहा है और मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो फिर मैं क्यों ही 365 डेज कंप्लीट करूं। सो इसलिए मैं, मेरा मन है कि मैं गिव अप करती हूँ। सो यार मतलब मन है, मतलब मेरा मन है बहुत कि कंटिन्यू चले, बट फिर व्यूज का पंगा आ रहा है और मैं डिमोटिवेट थोड़ा ज्यादा फील कर रही हूँ कि यार नहीं हो पा रहा है मुझसे। सो अगर ऐसे चलेगा, सच बताऊ मेरे को व्लॉग डेली व्लॉग करते हैं तो व्लॉग चलो ठीक है मैं वो भी शूट कर लेती हूँ, एडिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जहाँ पे थोड़ा अगर व्यूज अच्छा है ना तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, सब तो ठीक ही चलेगा। लेकिन सारी बात खराब हो जाती है व्यूज पे आके, क्योंकि मैं यार अच्छे से व्लॉग शूट करती हूँ। मैं इतना भी नहीं मानती कि बहुत बहुत ज्यादा है परेशानी वाली बात है या फिर मैं ऐसे काम कर रही हूँ, नहीं मैं इसको एकदम इजी लेती हूँ कि हाँ ठीक है व्लॉग शूट करना है, ये वो अच्छे से करना है ये वो। बट फिर जहाँ पे व्यूज अच्छे नहीं आते ना, वहां पे फिर मैं थोड़ी अपसेट हो जाती हूँ। तो गाइज मैं बस आपसे इतना बोल रही हूँ कि अगर मैं 365 डेज कर रही हूँ ना, तो प्लीज मतलब प्लीज ऐसे शेयर कर दिया करो वीडियो। और यार जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं मेरी, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। पता नहीं कितनी स्टोरीज मैं लगा चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे भी कि मेरे 30 के सब्सक्राइबर्स कर दो जल्दी, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। और मतलब मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा यार, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज शेयर कर दिया करो, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपका एक मिनट लगना है, एक मिनट भी नहीं लगना, एक सेकेंड लगना है ऐसे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने में। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जो भी मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं ना सिर्फ वहीं पर डिमोटिवेट फील कर रही हूँ कि मेरे व्यूज अच्छे नहीं आ रहे, बाकी मुझे व्लॉगिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिर्फ व्यूज के ऊपर बात आके अटक रही है। अगर वो भी अच्छे आएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली, और जो भी आप लोग डिमांड करोगे ना व्लॉग्स की, मैं वैसे ही व्लॉग्स लेकर आऊंगी, बट थोड़े व्यूज भी उस हिसाब से आने चाहिए। सो बस मेरे को यही दिक्कत है कि यार मेरे व्यूज क्यों अटक रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं गिव अप कर देती हूँ, बट मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्योंकि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और मुझे पता है एकदम बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो धीरे धीरे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ेंगे। बट मैं आप लोग को स्पेशल ये बताना चाहती थी कि प्लीज कि आप लोग को समझ आए कि
क्या फील होता है व्यूज को लेकर, है ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये वीडियो बनाने के लिए, बट फिर मैंने सोचा थोड़ा रुकते हैं क्या पता ठीक हो जाए, मैं चक्कर में रही बट ठीक नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक व्लॉग को शूट करने में, फिर उसको एडिट करने में, तो उस हिसाब से व्यूज भी आने चाहिए ना। तो बस मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज 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 वीडियोस देखते हो शेयर कर दिया करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो जो भी देखते हो, और जो भी अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत लग रही है ना कि आपको लग रहा है कि हाँ अनु ये चीज नहीं अच्छी कर रही है, मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देख के अपनी वो जो भी आपको नहीं अच्छा लग रहा उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी और बेटर करने की कोशिश करूंगी, और मैं गिव अप नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने 100 ब्लॉग्स होने वाले हैं, सो मैं क्यों ही गिव अप करूं यार। पहले मैंने सोचा था कि ये वीडियो को मैं ऐसे बताकर और एंड कर दूंगी, नहीं करूंगी सच में ब्लॉग, फिर मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है। सो गाइज मैं आज करूंगी सबके साथ छोटा सा प्रैंक, मैं सबको बोलूंगी कि मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ, तो देखती हूँ सबके क्या रिएक्शन आते हैं ना। सो गाइज हम आए हैं बाहर कुछ काम से, मतलब हम काम से कहीं जा रहे हैं, और साक्षी हाँ? ये ना मेरा लास्ट व्लॉग है ना? ये मेरा लास्ट व्लॉग है जी। आप तो लोग ही बातें करती है ये, सो इसके बाद मैं व्लॉग भी बनाऊंगी। लास्ट ओके ओके गाइस ठीक है, लास्ट व्लॉग शूट हो रहा है 365 डेज का। बढ़िया, 3 महीने की मेहनत बढ़िया कर दी एक दिन में चौपट। यार मैं नहीं बना रही, तुम्हें चाहिए हवाबाजी के काम, बिल्कुल सब एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए एक दिन में। अरे फिर भी यार व्यूज नहीं आ रहे ना, तो मुझे नहीं पता भैया, देख लो। तो लास्ट व्लॉग है, कुछ कहना चाहेगी लास्ट व्लॉग में? लास्ट व्लॉग में कुछ नहीं कहना चाहेगी गाइस, ये बंद कर ही कर, बहुत दिमाग खराब कर दिया, दिमाग खराब हो गया, उंधी-उंधी बातें करती है, क्या करूं जब व्यूज नहीं आ रहे तो बंद ही करना पड़ेगा ना। यार एक दिन में मैं नहीं बोल रही, लेकिन 3 महीने हो गए हैं तो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। तो गाइस ये थोड़ा सा गुस्सा हो रही है, मम्मी को भी बता दूं ये बात। सो यस गाइस अभी जो मैं काम के लिए आई थी वो काम हमने कर लिया है, और अभी मम्मी भी हमारे साथ हैं, तो अभी मैं बताती हूँ कि मम्मी बेटा मैं एक चीज बताना चाह रही थी, व्लॉग एंड होने था कि ना मैं लास्ट व्लॉग बना रही हूँ। क्यों पीछे पड़ गई, क्यों बेटा, मतलब मेरा मन नहीं है ऐसे ही करते, सच में मेरा लास्ट व्लॉग है। 3 महीने बिचारी ने दबके मेहनत कर ली, अब इसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं करूंगी, लास्ट व्लॉग बन रहा है, तो कुछ कहना चाहोगे? नहीं बेटा बनाना है आपको, हिम्मत करनी है लास्ट व्लॉग, बिकॉज मुझसे हिम्मत नहीं हो रही मेरी, हिम्मत नहीं हारने चाहिए, हिम्मत दे मदद खुदा, हिम्मत दे मदद खुदा, लो पापा हिम्मत नहीं हारने चाहिए। अरे मेरी वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरे व्लॉग पे व्यूज नहीं आ रहे। आएंगे, सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है गाइस, आएंगे जरूर, सबर करो कभी ना कभी तो फल बरसेगा। सारी पापा सारे डायलॉग अभी बोल दो, 3 महीने मेहनत करी है तो और भी कंटिन्यू आगे ऐसे ही करते रहो, मेहनत कोई बात नहीं, 3 महीने ये लास्ट व्लॉग बन रहा है मैं इतना बहुत जानती हूँ। मम्मी देखूंगी मैं, कर भाई दिन की तो लगे बिल्कुल लगा, कल से अन्नू के चैनल पे मेरा व्लॉग आएगा। हां गाइस अन्नू आएगा जरूर गाइस, 1 बजे नहीं छूटूंगा। अन्नू कंटिन्यू रहो, आप लोग सब सपोर्ट करो और व्लॉग कंटिन्यू हर रोज आएगा। यस और मैं करूंगी व्लॉग, ये जस्ट मैं तुम लोग को देखना चाहती थी कि तुम लोग क्या रिएक्ट करोगे। गाइस मुझे पता है अगर मैं स्किप करने की गिव अप करने की सोचूंगी भी तो ये लोग मुझे गिव अप नहीं करने देंगे, ये मुझे इतना ऐसे, मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ ना तो ये मुझे ऐसे फील करा देते हैं एकदम पॉजिटिव। सो मैं कंटिन्यू रहूंगी गाइस, और इन लोगों का देखा रिएक्शन कैसा था, क्यों
क्योंकि ये लोग मुझे रुकते देख नहीं सकते, ये चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू व्लॉग करूं और मैं ना रुकूं, मैं अपने 365 डेज कंप्लीट करूं। जैसे कि पापा ने कहा कि सबर का फल मीठा होता है और धीरे धीरे ही बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे व्यूज आएंगे। बट मेरे को आप लोग को बताना था कि यार थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है जब व्यूज वगैरह नहीं आते, सो प्लीज सपोर्ट करो और जितना हो सके मेरे व्लॉग्स को शेयर किया करो। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और होप करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।